नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय चार कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहे थे हमारे। पिछला जो अंश पढ़ा था उससे संबंधित हमने 2014 में आया हुआ एक प्रश्न डिस्कस कर लिया था। आगे हमारे दो तीन प्रश्न और रह गए थे बच्चों, पहले हम आज उन्हें ले रहे हैं। आप देखें 2014 में आया हुआ एक और प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न है निम्न को उदाहरण देकर समझाइए, और इसमें पहला है, दो पूछे गए थे बच्चों, एक है इसमें संकलन अभिक्रिया और दूसरी है इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख लें आप, 2014 का प्रश्न है ये भी। पिछले भी जो हमने अभी प्रश्न लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो भी 2014 में आया हुआ था बच्चों। निम्न को उदाहरण देकर समझाइए, पहला प्रश्न है संकलन अभिक्रिया और दूसरा इसका भाग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार 2013 में आया हुआ ये प्रश्न है, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। और 2013 में ही आया हुआ एक और प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। अब किन्हें समझाना था? पांच भाग हैं इसके। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा पूछा गया था इसमें अल्कोहल का विकृतीकरण, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पुनः पूछी गई है। आप देख रहे हैं 2014 में भी इससे प्रश्न आया हुआ है और इसी प्रकार 2013 में भी रिपीट हुआ है ये प्रश्न, हाइड्रोकार्बन का दहन। आप देखें 2013 में ही बच्चों मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण पूछा गया है और इधर इस प्रश्न में हाइड्रोकार्बन का दहन पूछा गया है। असंतृप्त हाइड्रो कार्बन का हाइड्रोजनीकरण, इन प्रश्नों की बात आज करेंगे बच्चों। लिख लें आप पहले, निम्न को उदाहरण देकर समझाइए, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था संकलन का अर्थ है जुड़ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो है, कोई पदार्थ जुड़ता है, संकलन होता है उसका, और ये हमने आपको बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना, तो वो उत्तर इसके अंदर आएगा, समीकरण आप दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछी गई है, प्रतिस्थापन का अर्थ आपको बताया गया था एक परमाणु को हटाकर दूसरे परमाणु को उस स्थान पर आना। तो इस अभिक्रिया में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों एल्केन का हेलोजनीकरण, जिसमें एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वैसे तो अक्रिय होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को यहां समझाया जाना है। आते हैं 2013 के प्रश्न पर, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। मेथेन का सूत्र आप याद कीजिए बच्चों, CH4। जब भी किसी चीज का दहन करना होता है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो CH4 प्लस O2 और जलने के बाद हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। तो ये हमने समीकरण आपको बताया हुआ है, आपके नोट्स में है। इसी प्रकार 2013 में जो सवाल आया था वो है निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए, आपको इसमें उदाहरण देकर इन पदों को स्पष्ट करना है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले तो हम ये बता सकते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है, ये वे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। अब बात आती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है,
तो वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आप उदाहरण बता सकते हैं। क्या उदाहरण है इसका? जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सबके उदाहरण है। आप इनके संरचना सूत्रों के द्वारा इनको स्पष्ट कर सकते हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण, ध्यान कीजिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इसके अंदर थोड़ा सा मेथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता, और यदि इसका उपयोग पीने में कर लिया जाए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। एल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। और इसे पहचानेंगे कैसे? हमने ये भी बात आपको बताई थी कि ऐसा एल्कोहल नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें रंजक मिलाकर उसे नीला रंग प्रदान किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वापस अभी यहाँ डिस्कस हो गई है बच्चों। हाइड्रोकार्बन का दहन, अभी ये मेथेन के दहन के साथ हो गया, और इसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, हमने यहाँ संकलन अभिक्रिया में जो बात कही है वही इसका उत्तर आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। इतनी बात तो हो गई है बच्चों जो हमने अब तक अंश पढ़ा है पिछली क्लास में उससे संबंधित प्रश्नों की। फटाफट आप लिख लें, तब हम आगे का अंश आज का जारी करेंगे। एक प्रश्न मिटा दिया है, आगे आप लिख लें। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हम ले रहे थे, पहला हम इसमें ले चुके हैं एथेनॉल, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। आज हम ले रहे हैं बच्चों एथेनोइक अम्ल, देखिए बच्चों एथेनोइक अम्ल, जैसे हमने एथेनॉल पढ़ते समय सबसे पहले इसके सूत्र की बात की थी, तो इसका जो अणु सूत्र है एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, इस प्रकार से C बड़ा, H बड़ा, और इसके तीन परमाणु हैं, फिर से C बड़ा, दो O है लगातार, दोनों बड़े और H बड़ा, तो इस प्रकार CH3COOH, इसको डबल O की जगह बच्चों OOH बोला जाता है, एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र है। अब बात आती है संरचना सूत्र किस प्रकार लिखा जाएगा इसका। में ये पूछा गया है एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बताइए, तो आप देखिए हमने आपको बताया था जैसे C, ये C है बच्चों, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, तीन, तो यहां जोड़ दीजिए इसके तीन हाइड्रोजन्स। उसके बाद आगे चलिए, क्योंकि इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी करनी है हमें, चार पूरी करनी है, तीन तो इस हाइड्रोजन ने पूरी कर ली, चौथी संयोजकता आगे जुड़ा हुआ है इससे C, तो एक और C, और उसके बाद बच्चों यहां देखिए दो O और H हैं, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है समूह, और यहां पर इस प्रकार से ये जुड़ा जाता है। एक C, इधर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी हो रही है, चौथी संयोजकता अगले कार्बन से पूरी हो रही है, और ये कार्बन
अपनी चार संयोजकताएं इधर से एक कार्बन से, इधर से एक ऑक्सीजन से, और रह गई दो शेष संयोजकताएं दूसरे ऑक्सीजन के साथ पूरी करता है। इसी प्रकार हर ऑक्सीजन की संयोजकताएं पूरी की जाती हैं दो, तो नीचे वाले ऑक्सीजन की संयोजकताएं तो कार्बन से जुड़ने के कारण दोनों संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है एक तरफ ये इस कार्बन से हाथ मिलाता है और दूसरी तरफ अपना हाथ ये हाइड्रोजन के साथ जोड़ लेता है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही पूरी करनी होती है। इस प्रकार ये सबकी संयोजकताएं पूरी हो गई और ये है बच्चों एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। 2013 का प्रश्न था ये। आगे हम बात करें इसके भौतिक गुणधर्मों की। सामान्यतया इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसमें COOH समूह जुड़ा है तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या है यहां आप लिख लें COOH से संबंधित है। इसी एसिटिक अम्ल का जो 3 से 4% विलयन होता है उसे सिरका कहा जाता है। जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक, उसे सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में उपयोगी। अगली बात करते हैं बच्चों हम गलनांक की। तो शुद्ध अवस्था में जो ये हमारा एथेनोइक अम्ल है इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। खास बात यह है बच्चों कि जहां जिन प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है, वहां की जलवायु में ये सर्दियों में जम जाता है, तो ये इसकी प्रकृति है। इसी कारण इसे जो है वो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका परीक्षा का एक प्रश्न होता है कि इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्दियों में ठंडी जलवायु में यह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। फटाफट लिख लें बच्चों। एथेनोइकॉल अम्ल अणुसूत्र हमने देखा, संरचना सूत्र की बात हुई, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इनके भौतिक गुणों की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्यतः इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यानी COOH समूह से संबंधित है।
3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। खाद्य पदार्थ में परिरक्षक, भोजन को सुरक्षित रखने वाले अचार और मुरब्बों में इनका उपयोग किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और सर्दियों में ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में यह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं, धीरे लिखने वाले बच्चे ताकि लिख सके। आगे चर्चा करेंगे बच्चों हम इसके रासायनिक गुणधर्म की। सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में बच्चों हम लेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया हम कहते किसे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एस्टर का निर्माण होता। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एस्टर का निर्माण होता हो। अब ये एस्टर है क्या? ये एस्टर किस स्थिति में बनता है बच्चों? जब अम्ल व एल्कोहल, अम्ल व एल्कोहल जब दोनों मिल जाते हैं
तो बनने वाला पदार्थ एस्टर कहलाता है। अम्ल व अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। यहां चूंकि हम बात कर रहे हैं हमारे एसिटिक अम्ल की, तो आप देखिए एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, हमने बच्चों आईयूपीएसी पद्धति आपको बताई थी नाम लिखने की, तो CH3COOH को सामान्य भाषा में तो हम कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, लेकिन आईयूपीएसी के नियमानुसार उसका नाम है एथेनोइक अम्ल। तो दोनों जो नाम है वो एक ही पदार्थ के हैं, आपको कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। एथेनोइक अम्ल तथा परिशुद्ध एल्कोहल, अब ये क्या बीमारी है परिशुद्ध एल्कोहल, एथेनोइक अम्ल तथा परिशुद्ध एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल बच्चों जो शत प्रतिशत शुद्ध होता है उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। शत प्रतिशत यानी 100%। एथेनोइक अम्ल तथा परिशुद्ध एल्कोहल अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। समीकरण जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। 2012 में बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया पर प्रश्न आया हुआ है। 2012 का प्रश्न है, एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो बात हम कर रहे हैं, अब ले रहे हैं हम समीकरण। देखिए एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस एथेनॉल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं यौगिक C2H5OH, अम्ल उत्प्रेरक यानी H प्लस आयन होता है अम्ल में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अब ये क्या करेगा बच्चों, यहां से आप देखिए ये जो OH है ये बाहर निकल जाएगा और एल्कोहल के H को साथ में अपने बाहर लेकर जाएगा। OH और H मिलके क्या बनाएंगे, जल का अणु बनाएंगे H2O, और साथ में जो हमारा पदार्थ बनेगा वो देखिए आप CH3CO, ये तो निकल चुका और ये बचा हुआ पदार्थ यहां से इसके अंदर जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार CH3CO। अब कहां से जुड़ेगा, यहां से, क्योंकि यहां से बंध टूटा है तो एक O आ जाएगा और उसके बाद यहां आ जाएगा C2H5। दोबारा से सुने, CH3COOH ये हमारा है एथेनोइक अम्ल, इसकी क्रिया C2H5OH ये है हमारा एथेनॉल एल्कोहल, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके कुछ इस प्रकार टूटता और आपस में जुड़ता है कि OH तो अम्ल में से जाता है और H इस एल्कोहल में से जाता है CH3COOC2H5, ये है हमारा एस्टर। और यदि हम नाम लिखें इसका तो इस एस्टर का नाम है बच्चों एथिल एथेनोएट, आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नाम यदि करते हैं एथिल एथेनोएट, जितने भी एस्टर होते हैं इनके पीछे ओएट लगता है, एथेनोएट, एथेन में ओएट की आवाज आ रही है, एथेनोएट। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। ये जो एस्टर है बच्चों इसकी गंध काफी मधुर होती है, एस्टर की गंध मृदु होती है, इसीलिए इसका उपयोग
इत्र बनाने में। तथा स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में होता है। एस्टर की गंध मृदु होती है और इसी कारण इसका उपयोग जो है वो इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में होता है। अभिक्रिया यही नहीं रुक जाती बच्चों, यदि इस एस्टर को NaOH मिल जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए, तो फिर से ये इस एस्टर की क्रिया यदि NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए, ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एस्टर है हमारा CH3 COO C2H5। यदि हम इसकी क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं बच्चों, तो हमें पुनः एल्कोहल C2H5OH और साथ ही साथ अम्ल के सोडियम लवण की प्राप्ति होती है CH3। क्योंकि देखिए एस्टर बना किससे था बच्चों, अम्ल और एल्कोहल से मिलकर बना था। एल्कोहल तो अपने आप अलग हो जाता है, लेकिन अम्ल जो है वो सोडियम लवण के रूप में इससे अलग होता है। इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि यहां पर इस क्रिया का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। यह है आपका सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। ये तो हुआ हमारा एक रासायनिक गुण बच्चों। आगे चर्चा करते हैं हम दूसरे रासायनिक गुण की, कि ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, ये क्षारक के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है। दूसरा रासायनिक गुण है क्षारक से क्रिया। अब आप याद कीजिए बच्चों, आपका अध्याय 2 हमने उसमें पढ़ा था कि अम्ल की ये प्रकृति होती है कि वो क्षारकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अब ये जो एसिटिक अम्ल है हमारा, वो भी एक अम्ल है, लेकिन खनिज अम्लों की तुलना में ये थोड़ा सा दुर्बल अम्ल है, लेकिन प्रकृति इसकी वही रहेगी। चूंकि ये अम्लीय प्रकृति रखता है, इसलिए क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, कुछ इस प्रकार CH3 COOH प्लस NaOH। यहां से ये H को लेकर जाएगा, क्योंकि अम्ल है, हाइड्रोजन आयन दे देता है, और यहां से ये OH को लेकर अलग हो जाएगा CH3COONA प्लस H2O। ये है हमारा लवण और ये है हमारा जल, सोडियम एसीटेट और जल। तो सोडियम एसीटेट क्या है बच्चों? एक लवण है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके हमें लवण और जल देते हैं। तीसरी क्रिया यदि हम देखें,
धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अध्याय दो में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए नए नहीं है बच्चों। यहां हम देखते हैं सबसे पहले धातु कार्बोनेट से किस प्रकार क्रिया करता है। CH3COOH प्लस धातु कार्बोनेट का हम एक उदाहरण ले रहे हैं Na2CO3। कार्बोनेट क्या है बच्चों? जिसमें CO3 आगे जुड़ा हुआ है, सोडियम का कार्बोनेट है ये। दो अणु हमें एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के चाहिए और यहाँ आप नाम लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। दोनों बच्चों ये आपस में क्रिया कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं? सोडियम एसिटेट CH3COONa, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। CH3COONa, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार यदि हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, CH3COOH प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक उदाहरण ले रहे हैं NaHCO3। दोनों में देखिए यही अंतर है, धातु हाइड्रोजन धातु हो गई Na, हाइड्रोजन आ गया उसके बाद और कार्बोनेट CO3। आपस में क्रिया करके उत्पाद में कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों, उत्पाद वही बनेंगे। यहां आप इसका नाम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अध्याय दो में आपको पढ़ाया था ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप हाइड्रोजन के स्थान पर बाई भी लगा सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। उत्पाद वही बनेंगे जो अभी ऊपर सोडियम कार्बोनेट के साथ बने हैं। इस प्रकार बच्चों ये हो जाते हैं इनके एथेनॉल के, या ये जो आपका एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है उसके रासायनिक गुण। सबसे पहला गुण आपका हो गया एस्टरीकरण, और जिसमें हमने साबुनीकरण की क्रिया भी समझी। दूसरा हमारा हो गया क्षारक से क्रिया, लवण और जल के निर्माण के साथ हमने इसका समीकरण लिखा। और तीसरा है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। आगे लेंगे बच्चों इसके उपयोग। चार उपयोगों की बात करेंगे हम। सबसे पहला खाद्य परिरक्षक के रूप में, दूसरा उपयोग इत्र उद्योग में, तीसरा उपयोग साबुन निर्माण में, और चौथा है आपका रबड़ उद्योग में। इस प्रकार ये चर्चा हो जाती है उपयोग के साथ एथेनोइक अम्ल की पूरी। अगला टॉपिक जो हमें लेना है वो है बच्चों इस अध्याय का लास्ट टॉपिक आपका साबुन और अपमार्जक। लिख लें आप, बच्चों का कहना है हम पूरा नहीं लिख पाते हैं, छूट जाता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा गति बढ़ाते हुए लिखें बच्चों। क्षारक के साथ क्रिया का समीकरण दिखाई दे रहा है यह आपको, CH3COOH प्लस NaOH बनने पर बन रहा है CH3COONa प्लस H2O। तीसरा जो गुण हमने अध्ययन किया था वो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, 2 CH3
COOH plus Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होकर CS3COONaH2O और CO2 बनते हैं, सोडियम अम्ल का सोडियम लवण। इसी प्रकार CS3COOH की क्रिया यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं, उत्पाद वही हैं। उपयोग की बात कर रहे हैं हम, खाद्य परिरक्षक के रूप में, इत्र उद्योग में, साबुन निर्माण में और रबड़ उद्योग में। लास्ट टॉपिक आपका साबुन। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, बाकी जो शेष रह जाएगा वो अगली क्लास में हम लेंगे। साबुन क्या है बच्चों? वसा अम्लों से बनाए जाते हैं। अब ये जो वसा अम्ल है बच्चों, इसमें कार्बन श्रृंखला 12 से 18 परमाणुओं की होती है। इतनी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल साबुन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है बच्चों की ये जो साबुन है, ये किस प्रकार से गंदगी को साफ करता है, कपड़ों से चिकनाई को कैसे साफ कर पाता है। आप देखिए कि होता क्या है बच्चों, साबुन के दो भाग हैं। एक हिस्सा इसका अध्रुवीय होता है और दूसरा हिस्सा इसका ध्रुवीय होता है। जो ध्रुवीय हिस्सा है वो जल की ओर रहता है तथा इसका काम क्या है, जल में घोलने का काम करता है। जबकि जो इसका अध्रुवीय सिरा होता है बच्चों, वो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है जो क्या काम करती है, जो तेल या गंदगी को घोलने का काम करती है। इस प्रकार साबुन जो है उसके दो हिस्से अध्रुवीय और ध्रुवीय की बात हम कर रहे हैं। किस प्रकार ये जो साबुन है वो कपड़ों से गंदगी हटाता है, कैसे हमारी जो कपड़े हैं वो धुल के साफ हो जाते हैं, इन बातों के साथ, तथा साबुन अपमार्जक में क्या अंतर है, इस अध्याय की समाप्ति करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।